ओम शिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम ममलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोक देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ देव का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 16 सितंबर सन 2024। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज कन्या संक्रांति रहेगी। संक्रांति पुण्य काल दोपहर 12:34 से सूर्यास्त तक रहेगा। आज संपूर्ण दिन पंचक रहेंगे। आज ईद ए मिलाद मनाई जाएगी। हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 7:45 से प्रातःकाल 9:17 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:45 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:17 से पूर्वान 10:49 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:53 से दोपहर 3:26 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:58 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:46 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, सूर्यदेव आज रात्रि 7:43 पर सिंह राशि से अपनी मित्र राशि कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, बुध की राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का कन्या राशि में गोचर का प्रभाव आप सभी की राशियों पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कि सूर्यदेव का कन्या राशि में राशि परिवर्तन आप में से किन लोगों को बनाएगा अमीर, किन के पास होगा गाड़ी बंगला पैसा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से सिक्स हाउस के अंदर छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। क्या होगा महाराज, सूर्यदेव के छठे भाव में गोचर करने से आपको करनी होगी जी तोड़ मेहनत। आपके खर्चों में हो सकती है अप्रत्याशित वृद्धि। कोर्ट कचहरी के मामलातों में मिलेगी आपको जीत। उपाय, रविवार के दिन बैल को गेहूं व गुड़ खिलाइएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से फिफ्थ हाउस के अंदर पंचम भाव के अंदर संचरण करेंगे, गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो क्या होगा महाराज, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा उनकी मेहनत का पूरा पूरा परिणाम, मनचाहा रिजल्ट।
संतान की परेशानियों का होगा सरल निदान। उपाय, उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से फोर्थ हाउस के अंदर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो क्या होगा महाराज, मिलेगा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, अपने घर का सपना पूर्ण हो सकता है। और क्या होगा महाराज, नौकरी बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ। उपाय, रविवार को पशु पक्षियों की यथाशक्ति सेवा कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी जयपुर से प्रश्न पूछे, सुरेंद्र। राम किशोर जी नागौर से जुड़े हैं, आप प्रश्न पूछिए राम किशोर जी। गुरुदेव जी प्रणाम, खुश रहे गुरु जी। मेरे को पित्त शांत कराने के लिए गया जाना है, हाँ, कौन से तीर्थ को जाए? देखिए रामकिशोर जी, जहाँ तक गया श्राद्ध की बात है, तो गया श्राद्ध वैसे 15 दिन श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी तिथि पे जा सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पे रहें तो बड़ी अति उत्तम होगी, क्योंकि उसमें सभी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाकी आपके फोर फादर्स की कोई तिथि हो, उस तिथि पे, आपके माता पिता दादा दादी की तिथि पे भी आप गया श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पे करें तो अच्छी बात है, और श्राद्ध पक्ष में 15 दिन रह के वहाँ प्रतिदिन अगर पिंडदान करें, तर्पण करें, तो निश्चित तौर पे आपके पितरों का मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन उसको गया श्राद्ध जाने से पहले, गया श्राद्ध से पहले पितरों को आमंत्रित किया जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है। आपकी तीन पीढ़ियां ददिहाल की, तीन पीढ़ियां ननिहाल की, उनको आमंत्रित कीजिएगा कि आइए हमारे साथ में गया तीर्थ पे चलिए, और हमारे द्वारा दिए जा रहे पिंडदान को, जलांजलि को ग्रहण करके आप जिस भी लोक में हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रार्थना से एक चांदी का पुष्प बना लीजिएगा, चांदी का फूल बनाकर, या एक 1.25 किलो चावल में एक सूखा नारियल 51 रुपये रख के अपने पितरों का आह्वान करके, या चांदी का पुष्प बना के अपने पितरों का आह्वान करके उनको अपने साथ ले जाइएगा, वहाँ जाके पंडित जी को दे दीजिएगा। विधि विधान पूर्वक यदि आप गया श्राद्ध करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मनुष्य जीवन सफल होगा, आपके पितरों को आपके द्वारा दिए गए पिंडदान जलांजलि से, गया श्राद्ध से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मधु जी अजमेर से जुड़ी हुई, आपका प्रश्न पूछिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मेरे बेटे के बारे में पूछना। बताए डेट ऑफ बर्थ बताए। 30 मार्च 2007। समय शाम को 6:15 बजे अजमेर। प्रश्न क्या है? गुरु जी ने अभी 10वीं पास की है, तो 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसको? 30 मार्च 2007 शाम को 6:15 बजे। देखिए जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वैसे तो इसका एजुकेशन हाउस का मालिक शनि है। अगर ये इंजीनियरिंग करना चाहे तो इंजीनियरिंग साइंस मैथमेटिक्स भी ले सकता है, और अगर साइंस मैथमेटिक्स में इसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स ले सकता है। इन दो सब्जेक्ट में लेके आगे बढ़ सकता है। आगे इसका जो कैरियर है, टेक्निकल नहीं नॉन टेक्निकल है, अगर इंजीनियर भी बनता है तो उसके बाद MBA करेगा ये बच्चा, और अगर कॉमर्स में भी जाता है तो आगे MBA कर सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA कर सकता है, आगे फर्दर लॉ सेक्टर के अंदर में भी जा सकता है, सरकारी नौकरी के भी इसके योग बनते हैं, उच्च पद पे जाने के भी इसके योग बनते हैं। तो अगर साइंस मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो तो पहला प्रेफरेंस तो साइंस मैथमेटिक्स से, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो दूसरा जो है वो इसको आप कॉमर्स फील्ड दिला सकते हैं। बाकी बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है, अभी वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय 2028 से शुरू होगा, और उसी वक्त इसको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होगी। कुंडली में सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बच्चे को बोले पढ़ाई में ध्यान दे, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करे, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करे, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, काले नीले रंग के कपड़ों से इसको दूर रखें, काला नीला रंग इसको सूट नहीं करता है, सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना, शनिवार को काला नीला नहीं पहनना, कांसे की कटोरी में तेल भर के चेहरे की परछाई देखे सरसों के तेल में, फिर तेल को एक मिट्टी के दीपक में डाल के रूई की बत्ती बना के जला दे, महीने में 2 शनिवार उपाय ये कीजिएगा, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली तीन राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से तीसरे भाव में
थर्ड हाउस के अंदर होने जा रहा है। क्या होगा महाराज? पद, पावर, प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बस जमकर आपको मेहनत करनी होगी, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। उपाय, रविवार के दिन जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा महाराज? जमकर बरसेगी धन दौलत, नौकरी में, व्यापार के अंदर धन आगमन होता हुआ दिखाई देगा। दूर होगी रुपए पैसों की किल्लत, तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बन सकते हैं रोडपति से करोड़पति। उपाय, रविवार को वृद्धाश्रम में छाछ के पैकेटों का यथाशक्ति दान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? यश, मान, वैभव, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। जीवन का एक अच्छा समय रहेगा, गोल्डन पीरियड रहेगा, लेकिन दिमाग में आती हुई तेजी से बचना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा, ओवर रिएक्शन से बचना होगा, गुस्से से आपको बचना होगा। उपाय, अपाहिज व्यक्तियों को बैसाखियों का दान कीजिएगा। सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कर रहे हैं सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। छह राशियों की हमने बात करी, अगली छह राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस के अंदर बारहवें भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर्स में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या रहेगा? कुष्ठाश्रम में यथाशक्ति गुड़ का दान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर 11वें भाव में महाराशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे, संचरण करेंगे। तो क्या होगा महाराज? सूर्यदेव के महाराशि परिवर्तन से आपको बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई देंगी, मनचाहे सौदे होते हुए दिखाई देंगे, नौकरी व्यापार में आपका कद और भी ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा, नए व्यापार का हो सकता है आगाज। उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, 10th भाव में गोचर करेंगे, वर्किंग सेक्टर के अंदर संचरण करेंगे, महाराशि परिवर्तन करेंगे। तो क्या होगा महाराज? आपके वर्किंग सेक्टर में होगी उन्नति, तरक्की होगा, सैलरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाही जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, बेरोजगार जो हमारे दर्शक हैं उनको नौकरी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा का विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, आपका नौकरी व्यापार के अनुसार लाइफ का गोल्डन पीरियड रहेगा। उपाय, रविवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में रोट, गुड़, घी का यथाशक्ति भोग लगाइएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कॉलर चुने भैरू जी अलवर से, प्रश्न पूछिए भैरू जी। सर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से, राजस्थान। बोलिए भैरू जी, कहीं प्रतापगढ़ तालाब में पानी आयो कि ना आयो? खूब पानी है सर। पानी है, बताओ कई प्रश्न है आपको? मेरा स्वास्थ्य और नौकरी कर लगी हूँ। तारीख समय बताओ।
चार चार अप्रैल, चार अप्रैल 1985। समय? समय शाम का 5 बजे। शाम का 5 बजे। तो अभी क्या कर रहे हो आप? अभी ठेके में काम कर रहे हैं। अच्छा, देखो भैरू जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प दोष बना हुआ ही, एक बार उज्जैन जाके सर्प दोष की विधिवत शांति करा लेना, उज्जैन जाके सर्प दोष की शांति करा लेना। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी शनि का अंतर है और उसमें भी केतु है। अक्टूबर 2024 के पश्चात, यानी अगले महीने अक्टूबर 2024 के पश्चात आपकी नौकरी लगने के पूरे पूरे योग हैं। अगर आप पढ़े लिखे और कंपटीशन की तैयारी करो तो सरकारी नौकरी भी आपकी लग सकती है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब अगले 2 महीने के अंदर आपकी लग जाएगी। 2 रोटी दही में चूर के या दूध में चूर के शक्कर मिलाकर कुत्ते को खिलाना है रोजाना, पूरे 21 दिन रोजाना खिलाना, कम से कम 21 दिन तो खिलानी है। और रोजाना 21 दिन जो है वो गाय को पालक खिलाना है, हरा चारा नहीं, पालक खिलाना है। और 21 दिन मछलियों को आटे की गोली बना के उस आटे में थोड़े से काले तिल डाल के और तालाब पे जाके मछलियों को खिला देना, निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला दान करना है, पीला खाना भी नहीं है, पीली दाल नहीं खाने, केले नहीं खाने, दान करना है, गुरुवार को दान करना है। निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम अगले 2 महीने में दिखते हुए नजर आएंगे। सीमा जी भीलवाड़ा, सीमा जी आपका प्रश्न पूछो। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। हाँ सर, मैं लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ, उसका सर 17/10/2003। 17/10/2003 टाइम कहिए बेटा। रात को 11:30 बजे। रात में 11:30 बजे। हाँ सर, वो सर मैं इसलिए ये पूछना चाहती हूँ कि सर उससे वो किस नौकरी में, किस क्षेत्र में जाएगी, उसका भविष्य कैसा होगा सर? देखो बेटा, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी कुंडली में एक तो सूर्य नीच राशि का होके बैठा है, दूसरा लग्न के अंदर दिमाग में चंद्र शनि का विष दोष है। चंद्र शनि जब दोनों साथ बैठते हैं तो इसको विष योग बोलते हैं। ये विष योग जीवन में कई प्रकार के कष्टों का कारण बनता है। अक्सर कंफ्यूज रहेगी, डिसीजन नहीं कर पाएगी, मन बड़ा अशांत रहेगा इसका। और वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और केतु का अंतर है। जनवरी 2025 के पश्चात में इसका समय अच्छा आएगा। अगर ये अपनी MBA वगैरह करे, लॉ सेक्टर में जा सकती है, ग्रेजुएशन करके MBA कर सकती है, MBA करके अच्छी नौकरी मिल सकती है, कॉमर्स सेक्टर में जा सकती है, कॉमर्स में जाके या आगे या तो लॉ कर सकती है या MBA कर सकती है, और अगर साइंस में भी जाना चाहे तो साइंस में भी जा सकती है, यानी इंजीनियरिंग की लाइन भी कर सकती है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में पहनाएं, रविवार को इसको बोलिए सूर्य, वैसे तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाना है, रविवार का फास्ट रखना है और सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना है। संभव हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़े, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करे, और योग्य आचार्य के निर्देशन में विष दोष की शांति अवश्य करवाइएगा। पास में कोई शिव मंदिर हो तो कम से कम 11 चंद्रमा आपको वहाँ पे चढ़ाने हैं। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा इसके हाथ से शिवलिंग पे चढ़वाना है, दूध से अभिषेक करके वहीं पे छोड़ के आना है। ये उपाय कीजिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। 9वां भाव भाग्य के स्थान में सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, आपके भाग्य का 100% साथ आपको मिलेगा, लक फैक्टर का सपोर्ट आपको 100% मिलेगा। और कहते हैं जीवन में भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का रहेगा एक गोल्डन समय। उपाय, रविवार के दिन लाल रंग की गौ माता की सेवा कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर 8वें भाव में गोचर करेंगे। क्या होगा महाराज, आपको अप्रत्याशित धन लाभ अथवा धन हानि हो सकती है, या तो अचानक धन आएगा या अचानक धन जाएगा। किसी भी तरह के लांछन अनैतिक कार्यों से बचना होगा, डिफेम से आपको बचना होगा, एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ आल्सो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उपाय,
रविवार के दिन अंधे बच्चों के आश्रम में गेहूं दान कीजिएगा या आटे का दान कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर गोचर करेंगे, सातवें भाव में गोचर करेंगे। क्या होगा? हमारे जो अविवाहित दर्शक हैं उनका होगा ब्याह, और जो विवाहित दर्शक हैं उनको मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। प्रोफेशनल सेक्टर में मिलेगी तगड़ी जीत। उपाय, रविवार को अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई सूर्यदेव को राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। अब आगे आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अगले कुछ दिनों में श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, तो किस तिथि को आपको श्राद्ध करना है, कौन सी दिनांक पे कौन सी तिथि का श्राद्ध होगा, उनके बारे में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा और रिकॉर्ड करके अपने पास में रख लीजिएगा। अपने पूर्वजों को याद करने का, उनके निमित्त पिंडदान करने का, जलांजलि करने का, श्राद्ध कर्म का सबसे बड़ा पर्व पितृपक्ष आराधना का सबसे बड़ा त्योहार अगले कुछ दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। आइए जानते हैं कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन करना है। लिख लीजिए, समझ लीजिए। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी बुधवार दिनांक 18 सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी बुधवार दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। पूर्णिमा और पोष्यपदी का श्राद्ध मंगलवार दिनांक 17 सितंबर सन 2024 को दोपहर 11:44 के पश्चात किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध बुधवार दिनांक 18 सितंबर सन 2024 को किया जाएगा। द्वितीय तिथि का श्राद्ध गुरुवार दिनांक 19 सितंबर 2024 को किया जाएगा। तृतीय तिथि का श्राद्ध शुक्रवार दिनांक 20 सितंबर सन 2024 को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि एवं भरणी का श्राद्ध शनिवार दिनांक 21 सितंबर सन 2024 को किया जाएगा। पंचमी तिथि एवं कृतिका का श्राद्ध रविवार दिनांक 22 सितंबर सन 2024 को किया जाएगा। षष्ठी तिथि का श्राद्ध सोमवार दिनांक 23 सितंबर 2024 को दोपहर 1:50 से पहले किया जाएगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध सोमवार दिनांक 23 सितंबर सन 2024 को दोपहर 1:50 के पश्चात अथवा मंगलवार दिनांक 24 सितंबर सन 2024 को दोपहर 12:39 से पूर्व किया जाएगा। अष्टमी तिथि का श्राद्ध मंगलवार दिनांक 24 सितंबर सन 2024 को दोपहर 12:39 के पश्चात किया जाएगा। नवमी तिथि एवं मात्र नवमी का श्राद्ध बुधवार दिनांक 25 सितंबर सन 2024 को दोपहर 12:11 के पश्चात अथवा गुरुवार दिनांक 26 सितंबर सन 2024 को दोपहर 12:25 से पूर्व किया जाएगा। दसवीं तिथि का श्राद्ध गुरुवार दिनांक 26 सितंबर सन 2024 को दोपहर 12:25 के पश्चात अथवा शुक्रवार दिनांक 27 सितंबर सन 2024 को दोपहर 1:20 से पूर्व किया जाएगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध शुक्रवार दिनांक 27 सितंबर सन 2024 को दोपहर 1:20 के पश्चात अथवा शनिवार दिनांक 28 सितंबर सन 2024 को दोपहर 2:50 से पूर्व किया जाएगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध मघा एवं सन्यासियों का श्राद्ध रविवार दिनांक 29 सितंबर सन 2024 को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध
सोमवार दिनांक 30 सितंबर सन 2024 को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध मंगलवार दिनांक 1 अक्टूबर सन 2024 को किया जाएगा। सर्पित्र अमावस्या का श्राद्ध बुधवार दिनांक 2 अक्टूबर सन 2024 को किया जाएगा। अब श्राद्ध पक्ष से जुड़ी एक विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध निकालने का समय अपराह्न काल में रहेगा। आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध निकालने का समय अपराह्न काल में रहेगा। अपराह्न काल दोपहर 1:38 से दोपहर 4:05 के मध्य में रहेगा। ध्यान रखें, इस समय के दौरान आपके पितर आपके घर पधारेंगे। उस समय के दौरान उन्हें भोजन तर्पण इत्यादि से उन्हें तृप्त कीजिएगा। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। चूंकि अपराह्न काल 1:50 से शुरू होगा, तो आपका ये प्रश्न रहेगा कि महाराज इतनी देर कौन भूखा रहेगा, हमारे घर में तो बड़े बुजुर्ग भी हैं। तो इसीलिए हमने आपको पूर्व और पश्चात के मुहूर्त भी आपको बताए हैं। श्राद्ध करने का मुहूर्त पूर्व और पश्चात में भी बताए हैं, यानी आप पहले भी कर सकते हैं, अगली तिथि पे आप पश्चात में भी कर सकते हैं। मुहूर्त को आप ध्यान से देखिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।